हाय, आप देख रहे हैं इनखबर हिस्ट्री और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जो गांधी जी से भिड़ गया था। और वजह क्या थी? बॉम्ब फिलॉसफी। जी हाँ, एक बॉम्ब फिलॉसफी, बॉम्ब थ्योरी को लेकर गांधी जी और उनके बीच में जो झगड़ा हुआ था, जो विवाद हुआ था, उसको आज भी लोग चर्चा करते हैं। ये अलग बात है कि ये चर्चा पढ़े लिखे लोगों के बीच में होती है, विद्वानों के बीच में होती है, आम पब्लिक उस पूरी कहानी को नहीं जानती। तो इस शो में हम आपको वही कहानी बताने जा रहे हैं, भगवती चरण बोहरा। जी हाँ, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। भगवती चरण बोहरा कौन थे? भगवती चरण बोहरा लाहौर में जो नेशनल कॉलेज था लाहौर का, उसमें सुखदेव और जो अपने भगत सिंह थे उनके साथ पढ़ा करते थे। तीनों लोगों ने एक स्टडी सर्कल बनाया था जहाँ पे पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, काफ़ी चर्चा किया करते थे उस वक्त। मैं आपको बता दूँ कि ये जो भारतीय उपनिषद हैं या ढेर सारी और किताबें हैं जो भारतीय साहित्य है उस वक्त तक, जैसे अर्थशास्त्र भी 1909 में मैसूर की एक लाइब्रेरी से मिला था, तो ढेर सारी जो किताबें थी या ढेर सारे जो हमारे नायक थे, चंद्रगुप्त मौर्य और तमाम सारे नायक चाणक्य, ये सब आ नहीं पाए थे लोगों के बीच में, धीरे धीरे आ रहे थे, और या आए थे तो बहुत कम लोगों के बीच में थे, उनका प्रचार नहीं हो पा रहा था। तो हो क्या रहा था कि जो हम बाहर से क्रांति ले रहे थे, रूस से जहाँ क्रांति हुई थी, तो उस तरह की जो सोशलिस्ट सर्किल वहाँ बने थे, स्टडी सर्किल, वो सर्किल उस तरह का बनाया गया, वहाँ चर्चा होने लगी। 1926 में नौजवान सभा बनी तो उसका मैनिफेस्टो भगवती चरण बोहरा को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। एच आर एस ए बनी, यानी उसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया। दिल्ली में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में आज़ाद ने उसकी अगुवाई की, तब एक मैनिफेस्टो बनाने का काम दिया गया, तो भगवती को जिम्मेदारी दी गई, आज़ाद के सहयोग से वो बनाया गया। जब ये हो गया काम, तब इन लोगों ने प्लान किया कि कैसे एक बार इरविन पर अटैक करना है। बम बनाने के मास्टर थे भगवती चरण बोहरा, तो जो लॉर्ड इरविन थे, वायसराय, अंग्रेजी वायसराय, प्लान हुआ कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था दिल्ली में। ये बम फेंका था राजबैरी बोस की अगुवाई में, तो 23 दिसंबर की डेट चुनी गई। 23 दिसंबर 1929 को एक बम फेंकने की प्लानिंग हुई। आगरा से लॉर्ड इरविन ट्रेन में आ रहे थे दिल्ली, तो जिम्मेदारी उठाई भगवती चरण बोहरा ने, यशपाल के साथ गए, उस ट्रेन पे बम फेंका गया। दो डब्बे एक तरह से बर्बाद हो गए थे, लेकिन वो गलत डब्बे पे बम फेंका गया और वो बच गए। जब ये खबर आई तो गांधी जी की पहली प्रतिक्रिया थी कि भगवान ने बचा लिया, और उनको धन्यवाद दिया गांधी जी ने भगवान को। उसके बाद, क्योंकि लाहौर अधिवेशन था, बहुत ये महत्वपूर्ण लाहौर अधिवेशन, वहाँ पहुँचे गांधी जी और वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया कि बॉम्ब से हमला करना एक इनोसेंट आदमी पर, इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए, इस तरह का कुछ बयान था उनका। तो जब वायसराय को इनोसेंट कहा, तो इससे जो क्रांतिकारी थे उनके अंदर काफ़ी आक्रोश भर गया कि एक अंग्रेजी वायसराय जो देश पे कब्जा किए बैठे हैं, हजारों लोगों को उन्होंने मार दिया, इतना पैसा लूट के ले गए, उनको इनोसेंट कहना कहाँ तक जायज़ है। लेकिन गांधी जी ने फिर लाहौर अधिवेशन में जब ये बात बोली, उसके बाद वो 2 जनवरी को जब यंग इंडिया का नया एडिशन आया, तो वहाँ एडिशन में गांधी जी ने बड़ा सा लिखा, कल्ट ऑफ बम के नाम से उन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिखा, और इस बम थ्योरी पे हिंसा की जो कार्रवाई है जिनके चलते क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने की बात करते हैं जिनके ज़रिए, उस पर सवाल उठाए। तो तब क्रांतिकारियों को लगा कि इनका जवाब देना चाहिए, तो जवाब देने की जिम्मेदारी दी गई भगवती चरण बोहरा को। भगवती चरण बोहरा ने एक बड़ा सा लेख लिखा गांधी जी के लेख के जवाब में, कल्ट ऑफ बम के जवाब में लिखा, फिलॉसफी ऑफ बम। भगत सिंह के जो रिलेटिव हैं वो ये दावा करते हैं कि भगत सिंह को भी जेल में वो दिखाया गया था जवाब। तो जब ये फिलॉसफी ऑफ बम बना, उसको लेकर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले साबरमती आश्रम की जो दीवारें थी वहाँ चिपका दिया गया, उसके बाद इसको लेकर जगह जगह पंपलेट्स में बांटा गया। लेकिन तब तक गांधी जी बिजी हो गए थे दांडी मार्च में, और उन्होंने कुछ सोच कर इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा। लेकिन वो जवाब जो दिया था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब में, उस वक्त उसकी सराहना सब जगह हुई थी। उन्होंने लिखा कैसे अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, कैसे हमारे हजारों लाखों लोगों को मार दिया गया, कैसे वो अत्याचार करते हैं, और ऐसे अत्याचारियों का मुकाबला कैसे करना चाहिए, कितनी फोर्स उन्होंने रखी हुई है यहाँ पे। उन्होंने आंकड़े पेश किए, कितने लोग मार दिए, क्या किया, कितना जुल्म करते हैं अंग्रेज इस देश में, उस वायसराय को इनोसेंट कहना कहाँ तक जायज़ है, वो मारते रहे और हम पिटते रहे हिंसा के पुजारी बनकर, ये जायज़ नहीं है। हम उनका मुकाबला करेंगे, उनको जब तक निकाल बाहर नहीं करेंगे तब तक हम अपनी जंग जारी रखेंगे, ये बात कही। और फिलॉसफी ऑफ बम एक तरह से समझाई कि बम की ज़रूरत क्यों है अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये वो कहानी थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 28 मई 1930 को जब एक बॉम्ब बना रहे थे भगवती चरण, और वो बॉम्ब कहाँ बना रहे थे, लाहौर की उसी रावी तट पर जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार आज़ादी की मांग की गई थी, तिरंगा फहराया गया था, उसी तट पर वो बॉम्ब बना रहे थे। और कोशिश थी कि भगत सिंह को जेल से छुड़ा लिया जाए, क्योंकि अब फांसी लगना उनको तय हो चुकी थी। वो बॉम्ब
फट गया पहले ही और भगवती चरण घायल हो गए। भगवती चरण मरते हुए बोले भी थे, काश मुझे ज़िंदगी के दो दिन और मिल जाते तो पता नहीं मैं क्या कर जाता। जो भी हो, उसके बाद भगवती चरण बोहरा की मौत हो गई। उस वक्त उनकी पत्नी दुर्गा भाभी, जिन्होंने कभी भगत सिंह की जान बचाई थी, उनकी कहानी फिर कभी बताएंगे। वो जेल में थी, उन्होंने हेली पर बॉम्ब फेंका था, वो उसके लिए 3 साल की उन्हें जेल मिली थी। वो उस वक्त जेल में थी और जब वो बाहर आई तब उन्हें ये सब जानकारी वहाँ जेल में ही मिली। तो इस तरह से 25 साल की उम्र में भगवती चरण बोहरा दुनिया से चले गए, अपने एक छोटे बेटे को छोड़कर जेल में कैद। दुर्गा भाभी जो उनकी बीवी थी, सब लोग उन्हें दुर्गा भाभी बोलते थे, वो खुद बड़ी क्रांतिकारी थी, वो छोड़कर चले गए दुनिया में तन्हा। और ये कहानी थी एक ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने कभी गांधी जी को चैलेंज किया था। इस तरह की और गुमनाम नायकों की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू।